प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिल्टर परिपथ के बारे में समझाकर एक संधारित्र का शंट के रूप में किस प्रकार फिल्टर की तरह इस्तेमाल होता है ये समझाया था। निर्गम वोल्टता किस तरह से लगभग दिष्ट के रूप में प्राप्त होती है, ये सब बातें मैंने आपको सिखाई थी। फिर उसके बाद गणितीय विश्लेषण में हमने तात्क्षणिक मान निकालकर उसका RMS वैल्यू और उर्मिका गुणांक और ये सब बातें बताने के पश्चात मैंने कहा था कि C और RL का मान बढ़ाने पर उर्मिका गुणांक कम होता है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको श्रेणी फिल्टर, जो L श्रेणी फिल्टर होता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि दिष्टकरण के पश्चात यानी डायोड सेक्शन के बाद और लोड प्रतिरोध या प्रतिबाधा के सेक्शन के पहले, इन दोनों के बीच में फिल्टर परिपथ को लगाया जाता है। यदि डायोड से प्राप्त निर्गम और लोड प्रतिरोध के बीच में एक चोक कुंडली को हम चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में लगा दें तो इसको हम L श्रेणी फिल्टर बोलते हैं। कोई भी प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और यहाँ एक बात मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में या एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि भाई विद्युत परिपथों में जो प्रेरकत्व का कार्य है उसको आप मैकेनिक्स में या यांत्रिकी में किससे के साथ कोरिलेट कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि द्रव्यमान यानी मास जो है उससे संबंधित जो इनर्शिया या जड़त्व यांत्रिकी में जो रोल प्ले करता है जड़त्व, वही रोल श्रेणी L जो है अपना प्रेरकत्व विद्युत परिपथों में प्ले करता है। जड़त्व वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का, स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, गति की अवस्था के परिवर्तन का। और L यानी प्रेरकत्व वो गुण है जो परिपथ में धारा परिवर्तन या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। और ओमेगा कोणीय आवृत्ति की संकेत के लिए यह ओमेगा L प्रतिघात उत्पन्न करता है। तो जैसा कि विदित है, ओमेगा बराबर शून्य के लिए इसका मान शून्य होगा, यानी दिष्ट धारा के लिए किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करेगा। तो अतः किसी प्रेरकत्व को जब लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यह प्रत्यावर्ती घटकों के मान को तो कम करता है ओमेगा L के कारण, उनको सप्रेस करता है और बेहतर क्वालिटी का दिष्टकरण ये करता है। इसका गणितीय विश्लेषण बहुत मुश्किल नहीं है। हम सीधा निर्गम में यानी डायोडों से प्राप्त एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो फूरियर विश्लेषण होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो निर्गम वोल्टता है वो 2Vm/π - 4Vm/3π cos2ωt है। आप Vm वोल्टता का उच्चतम मान, तो इसमें ये चीज़ देखिए आप, ये दिष्ट घटक है। तो इसमें मैंने लिखा है कि प्रथम जो पद है वो दिष्ट वोल्टता का घटक है, जबकि जिसके कारण दिष्ट धारा सीधे सीधे आप देखिए वोल्टता बटा कुल प्रतिरोध RCH, CH या चौक कॉइल का प्रतिरोध है। ध्यान दें सब बच्चे कि शुद्ध प्रेरकत्व का प्रतिरोध तो शून्य माना जाता है, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व कोई होता नहीं है, क्योंकि जिस धातु की कुंडली आप बनाएंगे उस धातु के पदार्थ का कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होगा, चाहे वो एल्यूमिनियम हो चाहे वो कॉपर हो। तो RCH इस चौक कुंडली का प्रतिरोध है, RL हमेशा की तरह दिष्ट जो लगाया गया लोड प्रतिरोध है, तो ये दिष्ट धारा हो जाएगी। और उधर दूसरी बात जो एक बार वापस आप इससे आप इसमें देखिए, जो अपने पास प्रत्यावर्ती घटक है 4Vm/3π और 4Vm/15π, तो प्यारे बच्चों इनमें आप देखिए कि ये जो मान है इसका और इसका अनुपात अगर आप ध्यान से देखें तो 1:5 हो जाएगा, यानी ये 5 गुना ज़्यादा और ये 5 गुना कम है इनके मुकाबले आयाम, और साथ में फिर आवृत्ति भी दुगनी है। तो
तो प्रतिघात जो है वो इस ट्रक के लिए डबल हो जाएगा। तो इस कारण से इस कंपोनेंट के बजाय इसको हम प्रभावी मान सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि समीकरण से स्पष्ट है कि ऊर्मिका वोल्टताओं के शीर्ष मान इतने और प्रतिबाधा एक अनुपात दो में होती है। प्रतिबाधा मैंने किस बेस पे निकाली, ओमेगा वन अनुपात ओमेगा टू बराबर एक अनुपात दो है, तो इसलिए प्रतिबाधाएँ एक अनुपात दो में आएंगी। तो एक दिष्ट पद और ये दूसरा प्रत्यावर्ती पद हमने लिख दिया। हम इसका वर्गमाध्य मूल मान इसका ज्ञात कर सकते हो आप उसी तरीके से, जिन बच्चों को ध्यान है पुरानी कक्षाएं जो लगातार ले रहे हैं उनको मालूम है किसी भी ये टेक्निक होती है 1/T, जिस इंटरवल पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे उसी इंटरवल पे इसका RMS वैल्यू आ जाएगा और इस पूरे का आप वर्गमूल ले लीजिए, ये RMS वैल्यू है। तो इसका E0 ये हो जाएगा, और वैसे भी आपको मालूम है प्रत्यावर्ती धारा घटक का मान जो होता है शीर्ष मान बटा रूट दो होता है, तो मैं इसको शीर्ष मान मानते हुए 1/√2 लिख देता हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए अगर V बराबर V0 साइन n ओमेगा t लेते हो, जहाँ पे n कोई एक इंटीजर है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये मान आएगा 1/√2। तो इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा n कितना, 2 ओमेगा है तो भी चलेगा, 4 ओमेगा है तो भी, 3 ओमेगा, सब में स्क्वायर में ये वैल्यू आएगी 1/√2। तो इसका चाहे 2 ओमेगा t, जैसे मान लो आप इसे कोई बच्चा पूछ लेगी सर चलिए इसका करके बताइए हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, cos 4 ओमेगा t से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर में कोसाइन और ये सारे स्क्वायर का एवरेज हाफ आता है हमेशा, तो ये 4 Vm/15π × 1/√2 आ जाएगा। तो ये वर्गमाध्य मूल मान आ जाएगा। और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के फॉर्मूले आप जानते हो, अगर √R² + X² होता है, ये देखो X² R क्या है प्रतिरोधात्मक घटक, X क्या है प्रतिघातात्मक घटक, तो R² + तो यहाँ X कितना है 2 ओमेगा L, X बराबर होता है ओमेगा L, यहाँ पहला घटक और 2 ओमेगा का है इसलिए मैंने 2 ओमेगा L लिख दिया, और R कुल प्रतिरोध कितना है R⁴ + R जो भी लोड रेजिस्टेंस है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, VRMS / कुल प्रतिबाधा, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। अब ऊर्मिका गुणांक आप एक सेकंड में ज्ञात कर सकते हो, RMS वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी जो घटक का RMS मान है, कौन से घटक का, जो प्रत्यावर्ती घटक है ये वाला, डिवाइडेड बाय DC वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया RMS वैल्यू, और DC अपने पिछले पेज पर मैंने ये बताया आपको। तो इन दोनों का मान आप जैसे ही रखोगे तो 4 Vm / 3√2 दिस मच डिवाइडेड बाई 2 Vm / RCS + RL, तो आपके पास एक सिंपल सी टर्म आ जाएगी जिसको गणित के रूप में आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए ये पाई से ये कैंसिल कर दिया मैंने, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने के बाद ये π/√2/3 RC + RL / 2 ओमेगा, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर RCH + R को कॉमन ले लिया है स्क्वायर को, तो ये टर्म मिल जाएगी अपने, और इसको आप नियर बाय जो है वन को अगर नेगलेक्ट करें इसके मुकाबले, क्योंकि ओमेगा एल अपॉन इसके मुकाबले अगर वन बहुत छोटा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.236√RL/ωL लिख सकते हो। प्यारे बच्चों इससे स्पष्ट है ये अप्रोक्सीमेटेड है, लेकिन इससे ये तो समझ में आ ही जाता है कि L बढ़ाने पर R का मान कम होगा, जो हमारी प्राथमिकता है किसी भी दिष्ट कार्य में। अब ये एक आपके लिए कार्य है। अब मैं आपको बताता हूँ कि L सेक्शन क्या होता है। हमने अकेला L पढ़ा, अकेला C पढ़ा, अब अगर L और C को इस तरह से जोड़ दिया जाए, यानी C अपना काम करे और L अपना काम करे, तो इसको L सेक्शन, ये अंग्रेजी के L अक्षर की तरह है उल्टा L, इसलिए इसको L सेक्शन बोलते हैं। तो L सेक्शन फिल्टर में मैं परिभाषा दे देता हूँ पहले आज, कि जब एक चौक कुंडली L तथा संधारित्र C को निम्न परिपथ के अनुसार लोड प्रतिरोध RL से पहले जोड़ते हैं, तो ये L सेक्शन फिल्टर कहलाता है। ये देखिए आप, ये दिष्ट कार्य है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, और RL यानी लोड प्रतिबाधा जिसके सिरों पर हम निर्गम प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले आप एक L और C को जोड़ दीजिए। इस फिल्टर में शंट संधारित्र फिल्टर L तथा श्रेणी L फिल्टर दोनों के गुण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसका उर्मिका गुणांक लोड प्रतिबाधा से लगभग मुक्त होता है, ये इसकी